समरा पास मेरी तरह एक पाकिस्तानी लड़की थी जो अपनी फैमिली के साथ इटली में रहा करती थी। वो भी मेरी तरह पाकिस्तान में रहने वाले एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उसी लड़के से शादी भी करना चाहती थी, मगर समन अब्बास के घर वाले उसकी शादी उसके कज़न के साथ करना चाहते थे। जब समन ने अपने घर वालों की बात नहीं मानी तो उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने समन का पासपोर्ट समन को नहीं दिया ताकि समन उस लड़के से शादी करने पाकिस्तान ना जा सके। और फिर एक दिन समन के चाचा और उसके माँ बाप ने समन को पासपोर्ट देने के बहाने समन को घर बुला के कत्ल कर दिया और समन की लाश को इटली की किसी अनजान जगह जाकर दफन कर दिया। जब तक इटलियन पुलिस को समन के कत्ल के बारे में पता चला तब तक समन के घर वाले पाकिस्तान जा चुके थे और समन के कत्ल की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। इटली जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में समन का कत्ल हो जाना इटलियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बदनामी का सबब था। इटली के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। इटली की आवाम सड़कों पर एहतजाज करने के लिए निकल आई। इटली की पुलिस ने मुझे और मेरी फैमिली को इसलिए पकड़ा था कि क्योंकि जो मेरी कज़न इटली में रहती है उसने इटली की पुलिस को हमारी शिकायत की थी कि हमारी फैमिली में भी समन केस की तरह मसले चल रहे हैं। और इसी तरह इटली की पुलिस एक और मौत नहीं चाहती थी। फिर पुलिस वालों ने मेरे घर वालों को समझाया और डराया भी कि मैं जहां चाहती हूं वहां मेरी शादी कर दी जाए। मेरे अब्बू ने पुलिस वालों से वादा किया कि मैं जहां कहूंगी मेरे घर वाले मेरी वहां शादी कर देंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और फिर पुलिस वालों ने हमें छोड़ दिया। लेकिन हम जैसे ही घर आए तो मेरे अब्बू ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तब एक बेटी अपने बाप के सामने हार गई। आखिर बाप की जान हर औलाद को प्यारी होती है। तब मैंने अपने अब्बू से वादा किया कि मेरे अब्बू जहाँ शादी का कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। इतने सालों की कोशिशों के बावजूद भी मैं उस दिन हार चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मेरे अब्बू को कुछ नहीं होना चाहिए। जब मेरी हर उम्मीद टूट चुकी थी तब मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेज दिया जिसने मुझे एक ऐसा मशवरा दिया जिससे मेरी उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी। और इस दफ़ा मुझे लगने लगा कि अब मैं और फैसल एक हो जाएंगे। जिस इंसान के मशवरे की वजह से मेरी उम्मीद फिर से जाग उठी और मुझे लगने लगा था कि फैसल और मैं अब एक हो जाएंगे, वो कोई और नहीं बल्कि इसी हसीब सलीम चैनल की कहानियों का मुसन्निफ हसीब सलीम है। जब मैंने अपनी सारी कहानी हसीब सलीम को बताई तो हसीब भाई से मेरी बात उसी कज़न ने करवाई जिसने हमारी इटलियन पुलिस में शिकायत की थी। मेरी कज़न हसीब भाई को पहले से जानती थी और उसकी कहानियाँ अमूमन सुनती रहती थी और उनसे पहले भी कई बार मशवरे भी ले चुकी थी। मैंने हसीब भाई को अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने मुझे एक आखिरी बार कोशिश करने को कहा और मैंने उनके मशवरे के मुताबिक अब्बू से बात की तो मैं शादी से पहले उम्रा अदा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उम्रा अपने वालिदैन के साथ अदा करूँ। पहले तो मेरे अब्बू ये कहने लगे कि शादी के बाद अपने शौहर के साथ जाना, लेकिन मेरे इमोशनल करने पर मेरे अब्बू मान गए। फिर हम उम्रे पर जाने की तैयारियां करने लगे तो मैंने अपने भाइयों को भी इमोशनल किया कि वो भी मेरे साथ चलें। इसी तरह हमारी पूरी फैमिली उम्रे पर जाने के लिए तैयार हो गई।
और एक महीने बाद हम उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब चले गए। उम्रा अदा करते वक्त जब हम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे तो वहाँ फैसल और उसकी फैमिली भी आ गई। मैं और फैसल मेरी पूरी फैमिली के पाँव में बैठ गए और हाथ जोड़कर उन्हें दरख्वास्त की कि प्लीज़ वो इस मुकद्दस जगह के सदके मान जाएं। वो वक्त और जगह ऐसी थी कि मेरी फैमिली इनकार नहीं कर पाई, और वैसे भी अल्लाह के घर जाकर इंसान का दिल मोम और पाक हो जाता है। तो मेरी फैमिली ने खुशी खुशी हम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी। फिर हम सब वहाँ से सीधा मस्जिद नबवी गए और वहाँ मौलवी साहब ने हमारा निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद हम दोनों ने मस्जिद नबवी में शुक्राने के नफल अदा किए। कुछ दिन बाद मैं अपनी फैमिली के साथ इटली और वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान चला गया, और दो महीनों बाद मैं और मेरी पूरी फैमिली पाकिस्तान आ गए। मेरी रुखसती बड़ी खुशी खुशी और धूमधाम से की गई। आज मैं और फैसल पाकिस्तान में अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं और फैसल असीब सलीम भाई के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उनके इस बेहतरीन मशवरे ने हम दोनों को एक कर दिया। असीब भाई ने एक बात सच की थी कि मोहब्बत दिल से होती है, मगर मोहब्बत को हासिल करने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम लिया जाता है। इंसान अगर सच्चे दिल से किसी को चाहे तो उसे एक दिन हासिल ज़रूर कर लेता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मोहब्बत को निकाह तक पहुँचाए और हर मोहब्बत की मंजिल निकाह हो। आमीन।